अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको लोगों को मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि उसको मेरी वीडियो देखने को जल्द से जल्द मिले। बेल आइकन का बटन दबाना ना ओके। तो नाउ मैं आज बनाने जा रही हूँ क्रीमी पास्ता, क्रीमी बेक्ड पास्ता, ठीक है, वाइट विथ वाइट सॉस के साथ। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो ये चिकन ली और इसके जूलियन कटिंग कर ली, ठीक है। और ये मसाले जाएंगे। ये मैंने इसमें डाला है तंदूरी मसाला, 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला लेगा, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर है, नमक है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून क्रश चिली। और इसमें मैंने ये कैप्सिकम लिया है ये, और ये थोड़ी सी प्याज भी ले ली, और ये ब्लैक ऑलिव्स हैं ये ले लिया, ये शिमला मिर्च है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ये मैंने मोज़रेला चीज़ है पूरी, ये अभी मैं इसे क्रश करूँगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूँगी। वो हो गया, साइज़ को रखूँगी और ऑयल इसमें मैक्सिमम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो आपको बताना है, भूरी नहीं आपको डालूंगी जब इसमें मैं 1 टीस्पून जो डालूँगी ये वाइट क्रश क्यूमन से क्रश दिया, ठीक है। तो मैं करूँगी हुआ। अब मैं ये इसमें होता है और देखा था तो सब इसके तो बहुत बदलते खाता है, मेरे भी बहुत। ज़्यादातर ये रमज़ान में भी ये एक डिश में जरूर बना लेते हैं, ये रात तारीख के टाइम पर भी काफ़ी अच्छी खासी अब तारीफ अच्छी हो जाती है। तो ये इसको फूल है, फ्लेम इसका चले जी। जब तक वो चिकन हो रही है थोड़ी सी गल गया है, तो हम इसका वाइट सॉस बना लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑन कर दिया है। इसके वाइट सॉस के लिए मैंने बटर लिया है, 3 टेबल स्पून के करीब बटर है ये, तो मैं बटर डाल दूँगी ये। और इसी के साथ ये मैंने 3 कप ये दूध लिया है, ये मैं इसके साथ ही 3 कप दूध डाल देंगे। यहाँ 3 कप दूध लिया है और ये अच्छे तरीके से इसके साथ मेल्ट हो जाएगा बटर। और इसमें मैंने डालूँगी 1 टीस्पून क्रश चिली और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च और 1 टीस्पून सॉल्ट। और ये चीज़ लिए मैंने चटर और मोज़रेला मिक्स है ये। और 2 टेबल स्पून मैंने ये मैदा लिया है मेरा, ठीक है। और आखिर में ये मैं ऑरिगेनो, अभी अब मैं इसमें ये मैदा डालूंगी। जो हम 2 टेबल स्पून मैदा लें, इसे अच्छी तरीके से हमें लीजिए ताकि इसमें दिखें ना। अब मैं ये इसमें सारे मसाले डालूंगी। गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चलिए जी देखिए, अब ये इतना, ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है ये। अभी इसमें मैं ये चीज़ ऐड कर दूँगी। चलें जी, ये देखें, ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है, ठीक है। बस इसमें मैं अब ये ऑरिगेनो डाल दूँगी और बस ये अब रेडी हो चुका है इसका सॉस। मैं आप बंद करूँगी इसका चूल्हा, इसे रखूँगी साइड पर। अब मैं आ रही हूँ चिकन को देखने में, देखिए कितना पानी छोड़ दीजिए, ये सब कर चुकी है चिकन, ठीक है। ये अच्छे तरीके से बस अब ये हम इसी इसमें बनाएंगे। अब ये सारे जो मसाले हैं ये मैं इसमें अच्छी तरीके से चलेंगे। जैसे ये होता है करके उससे चले जी। देखिए मैंने चिकन इसमें निकाल ली, इसका सॉस है ये। मैं पहले इसकी लेयर लगाऊंगी, ये पास्ता, इसके बाद में ये पूरी चिकन है ये चीज़ है ये मोज़रेला चीज़ है। कैचअप की लेयर है ये, और ये चिली गार्लिक सॉस की है। ये क्या थोड़ा ये डालना और सॉस डालूंगी। हो गया, इसके ऊपर चिकन डालूंगी। Okay. Cheese लास्ट लेयर है ये मेरी, ये लास्ट बस ख़त्म। ये मेरे सारे मैंने बॉइल कर लिए जो पास्ता, ये मैंने सॉस डाला है। इस पर अब मैं ये आप देखिए होते हैं चैटर चीज़ की, ये जो यहाँ हम बर्गर के लिए यूज़ करते हैं, ये लगाऊंगी और इसके ऊपर मॉडल लगाऊंगी। जो मेरी कैमरा गर्ल है, जो कैमरा में गर्ल, इसको बहुत खांसी आ रही है बार बार। मैं सोचती हूँ अब इसे चेंज ही कर दूँ, किसी और को हायर कर लूँ। मुझे बहुत अंदर चाहिए, ठीक है। अब हम जो है इसके ऊपर ये हो गया डन। ओके, ये चलेंगे। देखिए मैंने फ्री हीट कर लिया था, ये 200 पे रखा था मैंने, और ये 12 मिनट हो गया। ये अच्छा सा हीट हो गई है। बस इसमें मैं इसे 20 मिनट्स के लिए रखूँगी। फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं हम 10 to 20 मिनट्स बाद। चलिए जी, इसमें 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये अब मैं बंद कर दे रही हूँ, इसको खोलती हूँ। ये देखिए, आप इसको जब सर्व करने लगेंगे आप, तो इसमें फिर उस तरीके से केचप को डेकोरेट कर दें। चलिए देखिए, मैं इसका चलिए ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का है ये। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।